أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين असलक्रम वरह वक् पारा नंबर उनतीस नहमत हु वनसली रसूल करीम अम्मत फ़ौजाजी पारा नंबर उनतीस पूरे का पूरा दावा से मतलब है पूरे पारे को अगर हम तरतीब से देखें तो सबसे पहले सूरत मुल्क है जिसमें अल्लाह तला की बड़ाई और उसकी शान बुल्हन की गई और किसी को भी अल्लाह की तरफ़ बुलाते हुए हमारा यही तरीक़ा होना चाहिए कि सबसे पहले उसके दिल में अल्लाह की अजमत को उजागर करें और अल्लाह तै एक इंसान के कितने करीब हैं और उसकी कुदरतों का जब पता चल जाता है तो फिर उसकी बात माननी भी आसान हो जाती है बहुत सारे लोगों को अल्लाह की बड़ाई नहीं मालूम होती इसीलिए वो उसके बड़े बड़े हुक्मों को भी मामूली जानते हैं फिर अगली सूरत कलम है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़ाम को वाजे किया गया और उन मुश्किल का तस्करा किया गया कि जिस पे जमते हुए अल्लाह के नबी ने लोगों तक पैगाम बचाया। फिर उसके बाद सूरत अलाक और सूरत मारिज हैं ये दोनों सूरतें क़्यामत यानी अकीदा बिल आख़िर को मजबूत करती हैं हकीकत है कि ये तीन टॉपिक पूरे तेरह साल में मक् पढ़ाए गए तोहितद रिसाला और ईमान बिल आखिर इनके बगैर दिलों में बात नहीं जाती बात कितनी अच्छी क्यों ना हो लेकिन जब किसी के ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो बात नहीं मानता और देखा जाए तो आज हमारी उम्मत का भी यही हाल है फिर इसके बाद सूरत नौ आती है जिसमें एक किरदार दिखा दिया कि जिसने साढ़े नौ सौ साल दावा की अल्लाह की तरफ बुलाया लेकिन रिस्पांस नहीं आया और हकीकत है कि हमारा दीन एफर्ट ओरिएंटेड है रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं है फिर इसके बाद सूरत जिन में बताया गया कि जब आप अल्लाह के रस्ते में निकलते हैं और अगर इंसान आपकी बात नहीं सुनते तो अल्लाह जिन्नात को भेजता है और एक जिन दाइ दीन बन कर जाता हुआ दिखता जिसने सिर्फ़ एक बात सुनी और चल पड़ा और मुबल बन गया फिर इसके बाद सिर्फ मुजमिल में है जिसमें दाए दीन को रातों को अल्लाह तला के तल्ल को जोड़ने की नसीहत है क्योंकि रात का क्या दिन में बात को अच्छा भी रखता है और नस्ख को काटता भी है फिर सूरत मुद्दर में कुम फंज़िर का पैगाम है कि एक दाइ दीन इस एक हुक्म परमल करते हुए सारी ज़िंदगी खड़ा रहे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता रहे फिर उसके बाद जिसका दिल चाहे आए जिसका दिल चाहे ना आए और फिर इसी सूरत में कुछ ऐसे अहकाम हैं जिसमें ख़ास तौर पर नमाज रोज़े की बात है कि जब तक अपना ज़ाती तस्किया ना हो और अपना ताल्लुक इन इबादत के ज़रिए से पुख्ता ना हो दूसरों को दीन की तरफ नहीं बुलाया जा सकता और फिर आखिर में सूरत के आमा से आखिरी तम हैं कि जब सब कुछ कहने सुनने के बाद लोग ना माने तो उनको बता दो कि तुम्हारा एक एक अमल नोट हो रहा है और क्यामत के दिन दोबारा जी उठाया जाएगा और वहाँ जाकर तुम्हें पता लगेगा कि तुमने क्या किया और फिर आखिर में सूरत दाहर और सूरत मरसिल दाहर में जन्नत की डिस्क्रिप्शन है और सूरत मरसलात में जहन्नम की क्या पता चला कि दावा एक पूरी प्लान चीज़ का नाम है हम बस दफ़ा अपने तौर पे ये बातें करते हैं और लोगों को कहते हैं कि अच्छा जी नेल पॉलिश नहीं लगा सकते अच्छा जी शलवार रखनों से ऊंची रखें कि नीचे रखें ठीक है ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आएंगी ना तो ठीक लगेगा मैं और आप अगर असल चीज़ों को छोड़कर इन चीज़ों में उलझेंगे तो बस दफ़ा ये ऐसी ही मिसाल हो जाती है जैसे बच्चा आपसे बड़ी बड़ी बातें पूछे तो आप कहेंगे बेटा भी ये आपके समझने की बात नहीं या आप किसी को कोई फ़र्ज दर्जे का हुक्म छोड़ कर सुन्नतों में उलझा दें और उसी पर उम्मत बट जाए तो फिर वही होता है जो आज हो रहा है तो ये तो था एक जिसट इस पारे का आइए ज़रा देखते हैं सूरत मुल्क क्या कहती है तबारकल लजीब यदिमल्क वाल कुल शदीर बड़ी बबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायन की बादशाहत है और पैदा उसने तुम्हें क्यों किया दो में बता दिया लिया फ्लुआ को मैं यूकुम अखसनला इन दो आयतों को समझ लीजिए तो अल्लाह का मुकाम भी समझ आ जाता है और इंसान का मकसद हयात भी समझ आता है जिसको आने का मकसद ही मालूम ना हो वह करेगा कैसे वो काम और यात्री इम्तहान के बगैर अगले दर्जे नहीं मिलते इसमें आसन अमल की शर्त लगाकर बता दिया कि इबादत कैसी हों मामला कैसे हों और आसन अमल के दो स्टेप्स होते हैं अखलास यानी अल्लाह के लिए करना और इतबा रसूल रसूल की सुन्नतों के मुताबिक करना इसके अलावा कोई अमल भी आसन नहीं हो सकता दुनिया को अगर इम्तहान का समझें तो दुनिया में जीना कैसे है ये बहुत आसानी से समझ आएगा कमरा इम्तहान के साथ ही वक्त की कमी का एहसास होता है तीन घंटे का एहसास आता है जहन में फिर कुछ पढ़ना है सिलेबस था डेट शीट देखी वहाँ पहुँचे हर चीज़ से बेनियास होकर लिखते जाते हैं और एंड पे पेपर छिन जाता है एक इंसान जब इस सोच के साथ जीता है तो उसको ज़िंदगी मकसद लगती है वो कहता है यहाँ मैं अपनी आख़रत बनाने के लिए आया हूँ या फेल होंगा, या पास होगा या जन्नत है या जहन्नम इसके बरक्स अगर आप इस दुनिया को फन प्लेस समझें दुनिया में आने का मकसद फन पार्टी तो फिर सोच बदलेगी आप किसी पार्टी की बात करें तो मूड चेंज होने लगता है क्या पहनेंगे क्या खाएंगे कौन किधर होगा बस इन्ही बातों तो में उलझ जाता है इंसान तो बिल्कुल इसी तरह से में रखिए कि जो लोग आज मन चली जिंदगी बसर करते हैं जियो जी और जीने दो खाओ और मौज करो ई ड्रिंक भी मेरी तो उन्होंने ये पहली बात ही नहीं समझी कि हम दुनिया में आए क्यों थे आप उस स्टूडेंट को भी कुछ शक्लमंद नहीं कहेंगे कि जो खुद ना करे पेपर इस खाम में कि मेरा साथी क्यों नहीं आया मेरा दोस्त क्यों नहीं पहुंचा अच्छा चलो मैं फिर पेपर करती हूँ लेकिन ये पेपर मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपनी मर्जी से एक और पेपर बनाती हूँ बच्चा अगर आके माँ को ये बात बताए कि मुझे तो वो पेपर ही नहीं अच्छा लगा तो माँ का दिल धक धक रहेगा करो क्या किया था फिर कहेगा फिर मैंने बस उसको फाड़ दिया एक पेपर नया बनाया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर मैंने उसका बहुत अच्छे जवाब दिया और मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो माँ कभी भी उसको अच्छी उम्मीद नहीं दिलाएगी ये उन लोगों की मिसाल है जो अल्लाह की शरीयत को रिजेक्ट करके या उसमें अमेंडमेंट्स करके चले और कुछ ना करे कोई उसी पेपर में कुछ चेंजेस कर दे एक सवाल ठीक है इट्स ओके ये आसान लग रहा है दूसरा नहीं इसको बदल दो नहीं अल्जाम अकमल तो नकम आज के दिन दीन पूरा हो गया इसलिए मेरी आपकी निजात इसी में है कि हम अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दें फिर इसके बाद आप देखिए कि एक बहुत ही अहम चीज़ है कायनात पे गौरव फिक्र करवाने के बाद क्योंकि जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और उसका चीखना और चिल्लाना सुनेंगे जहन्नम के दारे गुआ पूछेंगे आयत नंबर आठ को देख लीजिए अलम यातिकुम नज़ीर क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था तो जहन्नमी क्या कहेंगे बला कचान नज़ीर बला यानी क्यों नहीं यानी आया था हमारे पास एक डराने वाला पर हमने क्या किया फ़क़ब ना फिर हमने उसको जुटला दिया वुल न मजलशही और हमने कह दिया अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल किया लव कु नस्म और नाकिल ये दो लफ्स अपने दिल पे लिख लीजिए जहन्नुम में जाने के बाद जिस चीज़ की हसरत होगी क्या काश हम सुनते और अक्ल इस्तेमाल करते तो आज जहन्नमियों में ना होते फातरफ बिजम भी हम वह अपने एक ही गुना का इतराफ़ बहुत है जनी अल्लाह की बात को ना मानना या अल्लाह को ना मानना इंजाम देख लीजिए फसुकल ख़ाप सर जहनमियों की तरह उनको हाँक दिया जाएगा इसके बरकस नक्षश न रब हम गई जो बिन देखे रब से डर गए असल मज़ा भी तो बिन देखे डरने में है ना फिर मैं उनके लिए बख्शिश भी और अजर कबीर भी है तो ज़िंदगी अकल के साथ गुजारनी है बेसोचे समझे नफ्स के पीछे या माशरे के पीछे नहीं जाना हर एक अपने आप को अगर इस शायद के सामने ले ले तो बात समझ आएगी बात आसान होगी और सुनना हिदायत की तरफ पहला कदम होता है जब आप सुनते हैं ना उसके बाद ही फिर कुछ करने को भी दिल करता है हम सुनना नहीं चाहते और बहसे करते हैं दीन के नाम पे कोई नहीं समझ आएंगे एक बच्चा स्कूल ना जाए कॉलेज ना जाए यूनिवर्सिटी ना जाए जाके बहस करे कि मेरा ख्याल है साइंस का ये असूल है मेरा ख्याल है दो जमा दो छः होते हैं तो कोई उसको नहीं मानेगा फिर इसके बाद कायनात में चलने फिरने की दावत दी गई और साथ ही साथ परिंदों के उड़ने पर गौर करो आज इस पर गौर करके लोगों ने जहाज़ बना लिए लेकिन परिंदे पैदा करने वाली हस्ती तक ना पहुँच सके आज का यही अलमी है इन्वेन्शंस भी होती हैं रिसर्च भी होती हैं लेकिन जिसने सब कुछ दिया उसको नहीं पाते और सिर्फ मखलूक में खोए रहते हैं अल्लाह सुबहान किरदार बयान करते हैं आयत नंबर ट्वेंटी टू में अफमई यमशी मुकबला बची ही क्या वो शख्स जो मुंह उठाए चल रहा है उस शख्स जैसा हो सकता है जो सीधे रास्ते पे चलता है और हकीकत है कि नहीं हो सकता तो एक है वही की रोशनी में जिंदगी बसर करना और एक है ख्वाहिशात के पीछे जिधर दिल चाहे लग जाना दोनों तो एक जगह नहीं जाएंगे आयत ट्वेंटी टू में आंखें कान और दिल की नेमत का एहसास दिलाया गया और उसी के साथ साथ अल्लाह सुबहान ने इस बात का यकीन दिलाया कि मरने के बाद तुम दोबारा ज़िंदे किए जाएगे और तुम्हें लग पता जाएगा आख़रीत शौर को बेदार करती है कुल नाराय तुम तो नसबह मा हुकुम गौरा क्या तुमने देखा अगर तुम्हारा पानी खुश कर दिया जाए तो कोई है तो तुम्हारे पास जारी पानी को लेकर आएगा तो आप पर मैं कहेंगे कोई नहीं ला सकता फिर इसके बाद सूरत कलम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उस दौर में इल्ज़ाम थे उनका इजाला किया गया पहले तो देखिए सूरत का नाम कलम की अहमियत है अफसोस की बात आज हमारे पास क़लम नहीं होता और काफ़ी चीज़ें होती हैं पर्स में हर चीज़ की जगह दूसरी चीज़ें आ गईं और कलम की जगह शायद ही कोई चीज़ आई हो लिखने पढ़ने का रिवाज दिन ब दिन कम से कम होता जा रहा है अल्लाह सुबान तला फरमाते हैं कि जो आपको लोग कहते हैं आप वैसे नहीं बल्कि आपके यहाँ व इन कला अला खुक नजीम आप अखलाकियाली बुलंदियों पर मौजूद हैं और वाकई हमारे नबी का अख्लाक बड़ा आला था फिर इसके बाद मश्रा दिया गया फ़लात तील मुकज़बिन आयता आर्ट में आगे भी नौ में क्यों क्या होगा अगर मैंने झुटलाने वालों की बात मान ली बततुलतुदिनों वो तुम्हें भी ढीला कर देंगे वो चाहेंगे तुम भी अपने दीन के मामले में सुस्त हो जाओ जैसे वो हुए फिर उसके बाद और शिद्दत से बताया गया कि हर एक की हर बात मानने वाली नहीं होती फिर उसके तहत नंबर सेवनटीन से अगली आयात में एक वाक्य है जिससे पता क्या चलता है कि अल्लाह ताला जब नेमत देता है यानी बाग वाले का किस्सा जब वो उसके पास फल आता था तो वो गरीबों को बांटता था जब वह शख्स मर गया तो उसके बच्चों ने सोचा कि हमें तो किसी गरीब को कुछ नहीं देना चाहिए तो हम रात को ही जाके फल काट लेते हैं लेकिन रातों रात अल्लाह की तरफ से अजाब आया और वह बाबा हो गया तो पता चला कि अल्लाह की दीवी नेमतों को अल्लाह के बंदों से शेयर करें तो नेमतें बढ़ जाती हैं आयत नंबर थर्टी फाइव में अल्लाह तला का एक सवाल है कि क्या फनजमसलिम इन अकल मुजरिम क्या मुस्लिमों को मुजरमों जैसा कर देंगे माला तुम कई फता क्या हो गया तुम्हें तुम कैसे हुक्म देते हो ऐसा नहीं हो सकता मुराद ये है ठीक है फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला कुछ सवाल उठाते हैं कि तुम में से तुम्हें कैसे अल्लाह ताला सवाल उठाते हैं कि तुम कैसे ये सोचते हो कि तुम्हें वहाँ जाके बहुत ही अच्छा कुछ मिलेगा अल्लाह ने तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे अंलाल की बुनियाद परखना आयत 42 में बेबसी बताई गई यानी उसे उनकी निगाहें झुकी होंगी चेहरे पर ज़िल्लत होगी वो दुनिया में रजतों की तरह बुलाए जाते थे जबकि वो सालम थे तो ये हर उस इंसान के लिए किबरत है कि जिसको आज सेहत मिली लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा और सूरत के आखिर में हजरत जुनूस का तस्करा करते हुए कुछ नजर बद का तस्करा है और आपको कहा कि आप अपना काम करते जाए लोगों की निगाहों से बेनियास होकर के नामों में से एक नाम है बड़ी मत से शुरू होती है बड़ी बड़ी कौमों की तबाही के तस्करे और फिर और उल्टाई की बस्तियों का तस्करा है हजरत नौर में एक क्यामत सुगरा के बर्पा होने का तस्करा और फिर आयीत में फैजा नफ़त असल क़्यामत के आने की बात है जिस दिन ज़मीन और पहाड़ों को लतले की चोट में रेजा रेजा कर देगा आप सोचिए कि एकदम गाड़ी चलते चलते रुके तो चिरचिराहट होती है ना टायर फटते हैं ये सूरज चांद सितारे ये सब स्पिन कर रहे हैं इस वक्त एकदम जब अल्लाह तला इनको रोकेंगे ना तो जो आवाज़ें पैदा होंगी उसी को जहन में ले आइए और फिर क्यामत के कुछ मंजर पेश किए गए तला तशरीफ लाएंगे और उस दिन फिर बस दो ही चेहरे हैं फम मनूत यह किताब अहूबी मीनी आन में जिसको दाएं हाथ में नामा माल मिला फया खूलो हा किताब किताबी खुशी खुशी आएगा लोगों को दिखाएगा लोग उससे पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ तो एक जुमला बोलेगा बस इसको हाईलाइट कर लें और अगर ये बात समझ आ जाए तो बाकी काम बहुत आसान हो जाते हैं क्या कहेगा कि मैंने इस एहसास के साथ जिंदगी बसर की कि मैंने अपने हिसाब से मिलना है हकीकत है कि हिसाब का एहसास बंदे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है ऐसे शख्स की जिंदगी खूबसूरत होती है फिर इसके बाद इसका खूबसूरत इंजाम है कैसे दिल पसंद जिंदगी होगी बुल्हन जन्नतें हैं फल झुके हुए हैं कैसे जहन में अच्छा सा तस्वुर आता है अल्लाह तम सबको अता करें अच्छा इसको वहां सबको देख कर क्या कहा जाएगा क्लू व खाओ और पियो खुशी से खाओ अपने उन कामों के बदले जो तुम पिछली जिंदगी में कर चुके तो अल्लाह ताला हमें जिंदगी में कुछ काम करने वाला बना दे अगली आयता में बिल्कुल इसका अपोज़िट किरदार है बाएं हाथ में नामया माल मिलिया हसरतें हैं काश मुझे मेरा नामया माल ना मिलता काश मेरी मौत मेरा काम तमाम करती अपनी जिंदगी को मैंने ज़ाया किया सारे कपड़े चाहे डिजाइनर थे सब दुनिया में रह गए कफन पे तो कोई भी ब्रांड नहीं लिखा हुआ जितना खूबसूरत बाथरूम बना लिया लेकिन आज तो तख्ते पे नहलाना पड़ा मर्सडीज में बैठा या लैंड क्रूजर में बैठा आज तो मैयत गाड़ी में जाना है और ऐसा शख्स वहाँ दुखी होकर परेशान होगा और हसरत का शिकार होगा कोई चीज़ आज मेरे काम नहीं है देखिए सबसे पहले जो चीज़ मरती हमारे साथ से उठती है ना वो हमारा नाम है कोई कब्र में जाकर ये नहीं कहता हाय प्राइम मिनिस्टर हाय फुला बॉडी बॉडी की दर बॉडी को लाए लाश की दर मैयत की दर कब्र में भी हिसाब किताब इसी बुनियाद पर होगा दुनिया में थोड़ा सा अगर अहदा बुलंद हो जाए तो बाद दफ़ाकड़ाने लगती है बाद दफ़ा हम लोगों को उनके कपड़ों और घरों से वैल्यूएट करने लगते हैं तो अल्लाह ताली हमारी शक्लें नहीं देखता हमारे आमाल देखेगा सब खत्म हो गया धोखा था दुनिया से सब चला गया रोब दब तबा ख़त्म हो गया और एक इंसान हकीकत में वहाँ तनखा होगा आगे कुछ काम है कि जिनके ना करने की वजह से ये सज़ा मिली अल्लाह पर ईमान न लाना मिस्कीन को खाना ना खिलाना आज ऐसे लोगों का वहाँ कोई दिली दोस्त नहीं है फिर आखिरी आयतों में वही से मुतक कुछ इशारे हैं आखिर में पैगाम दिया गया कि वही नसकी रतलमुत दर हकीकत यह परहेज़ कार लोगों के लिए नसीहत है यानी ये क़ुरान हमें गैर मखसूस तरीके से गाइड करता है और हम सीधे होते जाते हैं और आ होगी काफरों को इस पर करें क्या फसब बिक बिस में रब बिका लसीम अल्लाह के नाम की तस्वीर कीजिए फिर फिसरत मारे जैसमें भी क्यामत की आंखों देखी झलकियाँ नज़र आती हैं जिसमें क्यामत को जुटलाने वाले शख्स की बात है पचास हज़ार साल के बराबर एक दिन है सब्र करते जाइए लोग इस क़यामत को दूर समझते हैं लेकिन वो करीब होगी क़यामत के दिन आसमान तलछट की तरह होगा पहाड़ तुमकी वोइंग की तरह होंगे आज दस पे गौर कीजिएगा वला या हमीम हमीमन हमीम कोई दोस्त किसी दोस्त का हाल तक ना पूछेगा हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे और उसके मुजरिम की ख्वाहिश क्या होगी काश आज के दिन के अजाब से मैं बच जाऊँ अपने बेटे को देकर बीवी को भाई को और अपने कुंबे बिरदरी को बल्कि जमीन की सारी चीजों को मैं दे दूँ और मैं बच जाऊँ कहा जाएगा कल्ला आज इन चीज़ों को अगर अल्लाह की मर्ज़ी से करें तो मज़ा आएगा फ़ायदा भी होगा जर भी मिलेगा आज इन सब चीज़ों को छोड़ कर अल्लाह तला के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं तो फिर आप देख लीजिए कि वहाँ जाकर इनको पेश करेंगे क्या आज हम अपने बच्चों के नाम में इस जगह सोच सकते हैं कोई अपने बच्चे को अपने, अपने हाथ से आग में फेंकना चाहेगा और नौस बिल्ला के अल्लाह तला ने मुबालगा की है कि ऐसी है नहीं लेकिन बस कर दिया असल में ये वही चीज़ें जो इंसान के पाँव पकड़ लेती हैं और फिर इसके बाद कुछ ख़ूबियाँ जिसमें सबसे ऊपर नमाज अला सलाती तईमोन शुरू से आखिर तक नमाज़ में मतफ़ जोड़े पूरी नमाज़ें पढ़ी, हमेशा अपने आप को अल्लाह के आगे झुकाया गुना हुआ फिर नमाज़ पढ़ी नेकी हुई फिर नमाज़ पढ़ी तन्हाएँ नमाज़ पढ़ी सबके बीच में नमाज़ नमाज नमाज और इसी तरह से बिल्कुल वही बात जो सूरत मोमिन की आयतों में थी वही खुलासा है नमाज़ पढ़ने के बाद जो किरदार सामने आता है वो इनका होगा अल्लाह के हकूक़ को पूरा करते करते बंदों के हक़ भी देंगे ऐसे लोगों को जन्नतों में इज़्ज़तें मिलेंगी और आखिर में क्या कब्रों से निकलने की घबराहटें बयान की गईं सुरज नुह पढ़ते दिल उदास हो जाता है कि कोई अल्लाह का बंदा इतना अखलास रखते हुए अल्लाह की रहनुमाई में लोगों को बुलाए और साढ़े नौ सौ साल में सत्तर अस्सी लोग आए तकरीबन हर बारह साल के बाद एक शख्स के कबूल इस्लाम की बात बनती है इसमें हर उस बंदे के लिए मैसेज है जो दीन के काम करने के तो उदास हो जाए कि मेरी तो बात कोई सुनता ही नहीं मेरी तो कोई मानता ही नहीं मैं किससे कहूँ तो इसमें देखिएगा पुकारे हैं बहुत दिल से पढ़ने वाली सूरत है फ़िर आयत दस और उसी अगली आयतों में इसतबार के फवाद हैं कि जब बंदा दिल से गुनाहों पे माफ़ी मांगता है और उस पर जम भी जाता है तो अल्लाह आसमान से बारिशें भी देता है माल भी देगा बेटे भी देगा और उसके लिए बाग़ात और नहरें होंगी और ये सब कुछ मिलता है कब जब एक इंसान इस बात पर यकीन रखता है फिर उसके बाद मुशरकिन के कुछ बुतों के नाम है और कौम के डबोए जाने की बात है और उनकी वो आखिर में दुआ है कि वली वाली वाली मन दखला बीतिया मोमिन अल्लाह मुझे और मेरे माँ बाप को बख्श दे तो हम भी ये दुआएँ मांगे था कि अल्लाह की मदद हो सूरज जिनपुरी की पूरी एक कहानी है आंखों से जो देखा और कानों से जो सुना वो लाकर अपनी कौम को सुना दिया शुरू में कुरान की खूबसूरती अट्रैक्ट करती है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका गाइडेंस वाला पॉइंट सामने आने लगता है तो दीन की बात करने वालों को खूबसूरत अंदाज़ में कुरान पेश करना है लेकिन हकायक को बदलना नहीं है फिर इस सूरी पूरी सूरत को पढ़ के मेरे जिनों के बारे में भी गाइडलाइन मिलती है कि ये हमारी तरह की मखलूक है कुछ इनके फीचर्स फ़र्क है और इनबल्म इनके भी नबीत हैं और कुरान के नज़ुल की भी बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिक्योरिटी के साथ ये कुरान उतरा आज वही कुरान हमारे घरों में है लेकिन शायद हम उसको फील नहीं करते पहले कुरान अजब बना फिर समेनखुदा बना क्या हम इस कुरान के लिए दिल खोलेंगे इतने प्यार से उतारी गई किताब आज हमारे हाथों में है और बहुत सारे लोग आज इसकी वो वैल्यू नहीं पहचानते जो पहचाननी चाहिए आज सोलम में बता दिया कि अगर लोग हिदायत पर जमे रहते तो हम उनको खुला पानी पिलाते क्यों पिलाते या दुनिया की नियमतों की हकीकत के लिए नफती ना हम फी ताकि हम उनको आजमाएं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नियमतों को आने वाला बना दे ये कुरान जो आज हमारे हाथों में है ये रमज़ान के बाद भी हमारे हाथ में रहे और सारी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ लग जाए और इसी में बता दिया कि मस्जिदों में शिरक नहीं होना चाहिए उनको लोगों के नामों और मसलकों के साथ नहीं जोड़ना बल्कि मस्जिदें तो अल्लाह की हैं फिर उसके बाद सिर्फ मुजम्मिल इब्तदाई दौर की वही है जिसमें नबसे वसम को रात के क्याम की दावत दी गई और जिसमें बताया गया कि एक इंसान अल्लाह से ताल्लुक़ रातों को जोड़े तो दिन को मदद होती है आज बहुत सारे लोगों का मसला सेल्फ कंट्रोल का है तो रात का जागना बंदे को अपने नफ़ पे काबू पाने में मददगार होता है और दिन को बात भी अच्छी निकलती फिर इसमें तब्तुल की बात है कि सबसे कट के अल्लाह का बनना इससे ये नहीं मुराद के कतः तल्ल ही की जाए मुराद है कि पूरे फोकस्डली अल्लाह तला की तरफ़ जुड़ना फिर इसके बाद जहन्नम के कुछ मनाज़र हैं जो वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं तरतील क़ुरान की बात है अच्छा कुरान पढ़ा जाए तो दिलों पर असर रहता है बहुत ज़्यादा रूल्स में पढ़कर कुरान की खूबी को नहीं ख़त्म करना फिर आखिरी रकूम में नफिल नमाज में बहुत ज़्यादा तवालत रखना या उसको लंबा करके पढ़ना कुछ लोगों को मसले में डाल देगा नफ़ सल्लम का काम यही था अकेले में नमाज़ पढ़ते तो तवील पढ़ते दूसरों के साथ पढ़ते तो मुख्तर करते ये हमारे दीन की खूबसूरती है सूरत मदसर का थीम कोम फंजिर खड़े हो जाइए और ड्राई इब्तदाई वही है एक दाइय दीन को अपने कपड़े भी साफ़ रखने अपना किरदार भी साफ रखना है हर किस्म की गंदगी किचड़ को अपने से दूर करना है फिर क्यामत के मनाजिर और एक ऐसा किरदार पेश किया जा रहा है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है उसके अंजाम की बात है और साथ ही साथ जहन्नम के दारोगाओं का ज़िक्र है अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल के कुरान में पेश कर दी अब कितने लोग हैं जो इस पर अमल करते हैं आए थर्टी एट खुल्लु नफस बिमा का सबत रहही नर न बंदा अपने आमाल के आई गिरवी है अच्छे अमल करते जाएंगे तो अपने जिस्म को जहन्नम से आज़ाद कराते रहेंगे बड़ी अहम आयत है फोर्टी और उससे अगली फ़ी जन्नत यतसा लनुजरिमी नमाजल काम फ़ी सकर जन्नती जहनुमियों से पूछेंगे तुम्हें किस चीज़ ने जहनमे दाखिल किया खालमनकुमिनमसलिन पहली चीज़ नमाज नहीं पढ़ते थे फिर मिसकिन को खाना नहीं खिलाते थे फिर हम दीन के बारे में बहसे करते थे फिर हम क्यामत के दिन को झुटलाते थे यहाँ तक कि मैं मौत आ गई तो इन सारे कामों से अपने आप को दूर करना है इनशाला ताकि क्यामत के दिन की हसरत से बचें फिर बार आखिर में ज़िक्र उन लोगों का जो कुरान के तस्करे से या अल्लाह की बात सुनकर ऐसे भाग जाते हैं जैसे गदा शेर को देख के भाग जाता है तो कुरान से भागना नहीं है इसकी रोशनी में ज़िंदगी बसर करना है सूरत क्यामत इंसान को एहसास दिलाती है कि उसकी एक एक पोर को अल्लाह तला जानते हैं और क्यामत के दिन पकड़ेंगे और जब क्यामत के दिन इंसान लाया जाएगा तो उस वक्त कोई बचने की छुपने की जगह नहीं होगी और आयथाइटीन जुनब बोल इंसान यौमज़्म बेमा कद दम वखर उस दिन इंसान को पता लग जाएगा उसने आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा क्या प्रायोरिटीज थी क्या पीछे छोड़ दिया किस चीज़ को अहम समझा किस को गैरअहम समझा और आई ट्वेंटी में बता भी दिया कि कल बल तो हिब्बू न ला चिला खुब दुनिया हर गुनाह का सर है एक हदीस से ये बात पता चलती है तो जब दुनिया ही को लेना चाहें और हराम से मिले तो भी हलाल से मिले तो भी तो ऐसे लोगों का फिर इंजाम बुरा होगा और कुछ चेहरे खुश होंगे कुछ ना खुश होंगे और आखिर में जानकनी का मंजर है कल लाइजाबल और तो आकीश आए ट्वेंटी सिक्स और उससे आगे हर एक अपनी मौत को सामने रखे तो दुनिया की चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर इंसान को गाफिल नहीं करती और आखर करीब महसूस होती है सुरत दहार में जन्नत के तस्करे हैं नियमतों को अल्लाह ने इस्तेमाल करने का भी हुक्म दिया और साथ ही बता दिया कि इमां व इमां कपूरा सब कुछ बना दिया चाहो तो कदरदान बन के इन नम्तों से अच्छे काम ले लो और चाहो तो न शक्कर बन जाओ और जन्नत का इतना प्यारा मंजर है इसमें कि एक रिवायत में आता है कि एक साहबी बेहोश हो गए थे या गालबन उनकी जान रुख परवास कर गई ये सोच कर कि इतनी प्यारी जन्नत है और इससे आखिरी सूरत सूरत मरसलात में यही कुछ जहन्नम के लिए अल्लाह तला आपको मुझे जहन्नम से बचाए और मैं और आप इस ज़िंदगी को एक शौर के साथ बसर करें ऐसा ना हो कि आज यहाँ चार दिन के मज़े लेते लेते कल वहाँ हमेशा की रसवाई हो पूरे पारे से सीखें कि अल्लाह से बिन देखे डरना है उसकी निशानियों में गौर करना है लोगों के साथ नेकी और भलाई करने वाला बनना है किसी की हिब्बत नहीं करनी जो नहमत अल्लाह ने मुझे दी उसमें दूसरों को शरीक करना है नेकी पर इस तकामत इख्तियार करनी है अल्लाह के लिए की गई गवाही पर कायम रहना है कुरान पर इसलिए अमर करना है क्योंकि यह हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है तहज्जुद की आदत भी डालनी है गुनाहों से माफ़ी मांगनी है अपने आप को और माहौल को साफ रखने की कोशिश करनी है जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनना है और चेहरों को तरोताज़ा रखने के लिए नमाज की पाबंदी रखनी है सुस्ती छोड़नी है अच्छे कामों की हिफाज़त करनी है आख़रत के हिसाब की, की फ़िक्र करनी है थक नाम मालदाएँ हाथ में मिले राफ़ियत और हिफाजत की दुआ करते हुए सोचते समझते इस दुनिया से गुजरना है सजदा कर सकने पर भी अल्लाह का शुक्र करते हुए सजदा करना है कि उसने हमें यह तोफ़ी दी और इसी तरह नमाज़ों की हिफाजत करते हुए अल्लाह की अज़मत को पहचानना है कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना है अल्लाह के नाम पर किए गए हैत और कमिटमेंट्स पूरी करनी है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो कुछ भी इस दुनिया में रखा है उससे बेहतरीन हिस्सा लेना है इस बारे में से बहुत सारी आयतें तदब्बर थीं लेकिन ख़ास तौर पर जिस पर आज हम गौर करेंगे वो है आयत नंबर दस से अगली आयतें सूरत मारिज की वला यसलु हमीमन हमीमा कोई जिगरी दोस्त अपने दोस्त को ना पूछेगा हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को अपनी बीवी को अपने भाई को और अपने क़रीब तरीन खानदान को जैसे पनाह देता था और वह ज़मीन के सब लोगों को फदिए में दे दे और ये तदबीर इसे निजात दिला दे हरगिस नहीं इन नज़ा ये तो एक भटकती हुई आँख होगी जो गोश्त पोस्त को चाट जाएगी पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी हर उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और जमाल जमा किया और गिन गिन कर रखा अल्लाह ताला हमें इन पर गौर करते हुए अपनी सलाहा वाला बना दे सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदीक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतوب इलैक अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا, فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين